हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास रेसिपी। 1 कप गेहूं के आटे से बहुत ही चटपटा सा नाश्ता आज बनाएंगे, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, नमक टेस्ट के हिसाब से, चिल्ली फ्लेक्स, जीरा, फ्रेश हरा धनिया 1 चम्मच, ऑयल, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही कुरकुरा बनेगा। अब इसमें से 2 टेबल स्पून आटा निकाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर रोटी के आटे से सख्त डो लगाकर रेडी कर लेंगे। तो ये डो हमारा रेडी हो चुका है, अब हम फिलिंग रेडी करेंगे। तो ये मैं 2 उबला हुआ आलू ले रही हूँ कद्दूकस करके, जीरा आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच कूटी लाल मिर्च, 1 बारीक कटा हरी मिर्च, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, हरा धनिया, नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाश्ते को और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए आप यहाँ पे मसाले ही ऐड कर सकते हैं, जैसे गरम मसाला या फिर बहुत सारे मसाले हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। अब इसे हम साइड में रख देंगे और जो आटा मैं निकाल कर रखी थी यहाँ पे डालेंगे सफ़ेद तिल। इससे हमारे नाश्ते और भी ज़्यादा क्रंची होते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल तैयार कर लेंगे। तो घोल हमारा रेडी हो चुका है, इसे साइड में रख देंगे। और ये जो आटा है इसकी 2 लोई बना लेंगे। लोई बनाने के बाद लोई को सूखे आटे में लपेट कर और एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। तो इसे पतला रोटी बेलना है, बड़ा सा, ये देखिए। तो ये देखिए, मैं रोटी जितनी पतली बेल कर रेडी कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम डालेंगे हरी चटनी। तो इस नाश्ते में समोसे, पकौड़े और कचौड़ी तीनों का टेस्ट आता है, बहुत ही चटपटा बनकर रेडी होता है। तो ये देखिए, और यहाँ पे केचप मैं थोड़ा सा लगाई हूँ। और ये जो हम फिलिंग रेडी किए थे उसे हम चारों ओर रख के इसे भी चारों ओर अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखिए फ्रेंड, इस तरह फोल्ड कर लेंगे और ये साइड से इसे पैक कर देंगे ताकि हमारे मसाले बाहर ना निकलें। और इस पर थोड़ा सा और रोल करके और कट कर लेंगे। तो मैं इस तरह से इसे कट कर ले रही हूँ। नाश्ते बहुत ही टेस्टी होते हैं और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये नाश्ता, ये देखिए। तो ये मैं सारे रेडी करके रख ली हूँ। अब इस घोल में हम इसे डिप करेंगे और इसे तल लेंगे। तो इधर ऑयल में पहले से रख देते हैं गर्म होने के लिए। अब एक एक करके हम यहाँ पे डाल देंगे और इसे गोल्डन कलर आने तक, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इसे उलटते पलटते हुए तलेंगे। तो इसे पलट देंगे, अब पलटते हुए इसे हमें तल लेना है। तो फ्रेंड ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और नाश्ता हमारा कितना क्रंची हुआ है। तो बस अभी से निकाल लेंगे। तो ये नाश्ता हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, ये देखिए फ्रेंड। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।